पंजाब के जालंधर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा गैंग के दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में करीब 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। इस मुठभेड़ में जालंधर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच के दो कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, वहीं दोनों गैंगस्टरों को भी गोलियां लगी हैं। पूरी मुठभेड़ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस के जवान बहादुरी से इन गैंगस्टरों से निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जालंधर में पंजाब पुलिस और लखबीर सिंह लांडा गैंग के कुख्यात गैंगस्टरों के बीच में शुक्रवार सुबह मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जिसके बाद लांडा गैंग के दो गैंगस्टरों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैंगस्टरों के पास से 7 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये सभी हथियार एक थैले में भरकर रखे हुए थे। इस मुठभेड़ के वीडियो सामने आने के बाद अब कई तरह की बातें की जा रही हैं। इस वीडियो में पुलिस गैंगस्टरों को खेत में घेर कर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। पकड़े गए दोनों गैंगस्टरों के पैरों में गोलियां भी लगी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के आला अधिकारी ने कहा है कि पकड़े गए दोनों गैंगस्टर जमानत पर बाहर थे, वहीं विदेश में बैठे इनके आका यानी गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा के संपर्क में ये लगातार रहते थे। दरअसल पुलिस को अपने मुखबिर तंत्र से सूचना मिली थी कि लखबीर सिंह लांडा गैंग के दो बदमाश थाना सदर इलाके में मूवमेंट कर रहे थे, जिसके बाद गैंगस्टरों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया था। इसके बाद पुलिस गैंगस्टरों की तलाश में जुट गई थी, जबकि पुलिस ने दोनों गैंगस्टरों को कानीवाल गांव के पास घेर लिया था और फिर मुठभेड़ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि गैंगस्टर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस का इस मामले में कहना है कि पकड़े गए दोनों गैंगस्टर जबरन वसूली, हत्या और हत्या की कोशिशों समेत कई जघन्य अपराधों से जुड़े हुए हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा वही है जो विदेश में बैठकर अब पंजाब में एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। शिवसेना के हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या का आरोप भी गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा पर लगा था।